किसी ने क्या खूब कहा है, जो खुद पर भरोसा नहीं करते वे भगवान पर भी भरोसा नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम इस संसार की सांसारिक वस्तुओं के हम माया मोह में पड़ करके असल चीज को छोड़ देते हैं, उसी पर आज की कहानी आधारित है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सांसारिक वस्तुओं से मोह। एक बार की बात है, एक नगर के राजा ने यह घोषणा करवा दी कि कल जब मेरे महल का मुख्य दरवाजा खोला जाएगा, तब जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को हाथ लगा दिया वह वस्तु उसकी हो जाएगी। इस घोषणा को सुनकर सभी नगरवासी रात को ही नगर के दरवाजे पर बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं अमुक वस्तु को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं तो स्वर्ण को हाथ लगाऊंगा, कुछ लोग कहने लगे कि मैं कीमती जेवरात को हाथ लगाऊंगा, कुछ लोग घोड़ों के शौकीन थे और कहने लगे कि मैं तो घोड़ों को हाथ लगाऊंगा, कुछ लोग हाथियों को हाथ लगाने की बात कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि मैं दुधारी गौओं को हाथ लगाऊंगा, कुछ लोग कह रहे थे कि राजा की रानियां बहुत सुंदर हैं, मैं राजा की रानियों को हाथ लगाऊंगा, कुछ लोग राजकुमारी को हाथ लगाने की बात कर रहे थे। कल्पना कीजिए कैसा अद्भुत दृश्य होगा वह। उसी वक्त महल का मुख्य द्वार दरवाजा खुला और सब लोग अपनी अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने दौड़े। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगा दूं ताकि वह वस्तु हमेशा के लिए मेरी हो जाए। और सबके मन में यह डर भी था कि कहीं मुझसे पहले कोई दूसरा मेरी मनपसंद वस्तु को हाथ न लगा दे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भाग दौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। कोई किसी वस्तु को हाथ लगा रहा था और कोई किसी वस्तु को हाथ लगा रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक छोटी सी बच्ची आई और राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजा उस लड़की को देखकर सोच में पड़ गया और फिर विचार करने लगा कि यह लड़की बहुत छोटी है, शायद यह मुझसे कुछ पूछने आ रही है। वह लड़की धीरे धीरे चलती हुई राजा के पास पहुंची और उसने अपने नन्हे हाथों से राजा को हाथ लगा दिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उस लड़की का हो गया और राजा की प्रत्येक वस्तु भी उस लड़की की हो गई। दोस्तों, इस कहानी में जिस प्रकार उन लोगों को राजा ने मौका दिया था और उन लोगों ने गलती की, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हमें हर रोज मौका देता है और हम हर रोज गलती करते हैं। हम ईश्वर को हाथ लगाने अथवा पाने की बजाय ईश्वर की बनाई हुई सांसारी वस्तुओं की कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, पर हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि यदि ईश्वर हमारे हो गए तो उनकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु भी हमारी हो जाएगी। ईश्वर बिल्कुल माँ की तरह ही है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को गोदी में उठाकर रखती है, कभी अपने से अलग नहीं होने देती, ईश्वर भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही खेल खेलते हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ को छोड़कर अन्य खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है तो माँ उसे उन खिलौनों के खेल में लगाकर अन्य कामों में लग जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हम ईश्वर को भूलकर ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं के साथ खेलना शुरू कर देते हैं तो ईश्वर भी हमें उस माया में उलझाकर हमसे दूर चले जाते हैं। पर कुछ बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की माया में न उलझकर ईश्वर में ही रमण करते हैं और उस पर परम तत्व में मिल जाते हैं, फिर उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। इसी बात को गुरु ग्रंथ साहिब ने इन शब्दों में कहा गया है, जाके बस खान सुल्तान, ताके बस में सगल जहान। अर्थ, जिसके बस में ईश्वर होते हैं उसके बस में सारी दुनिया होती है। दोस्तों, इस कहानी का सारांश यह है कि हम सांसारिक वस्तुओं के मोह में पड़ करके ईश्वर को छोड़ देते हैं।
जिसकी सारी दुनिया उसी की है। हम अगर उसको प्राप्त करेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। हम माया मोह में पड़ करके ईश्वर को छोड़ देते हैं। तो इसलिए ईश्वर को ध्यान में लगाइए, उस वस्तु को ध्यान में मत लगाइए जो क्षणिक है, नश्वर है। ईश्वर मिले तो सब कुछ मिलेगा। इसलिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।